जो एक मैच्योर इंसानी शख्सियत होती है उसकी जो कैफियत है उसमें फकर और गुरूर की बजाय तवाज़ो होनी चाहिए, उसमें बजाय रियाकारी के इंसान जो है वो अपनी नेकी को छुपाने की कोशिश करता है बजाय इसके कि उस पर इजहार फख्र करे, नहीं, ना लोगों पर धौंस जमाने की कोशिश करता है, उसके अंदर तवाज़ो होती है, तज़ल्लुल होता है। इसी तरीके से मियाना रवि, ये भी एक बड़ी मैच्योर इंसानी शख्सियत का जो है वो उसका मजहर है। और फिर इसी तरीके से ये जो है आवाज का पस्त रखना, खासतौर पर यहां पे उसका जिक्र जब हम तफसील से हम पढ़ेंगे तो बात सामने आ जाएगी। इसका असल में मामला है जब कहीं आपकी बहस हो रही हो किसी से, कोई आपका झगड़ा है उसमें आप आर्गू कर रहे हैं, तो बसा औकात आपने देखा होगा जब एक फरीक ये महसूस करता है कि मेरा पहलू गिर रहा है दलील के एतबार से, तो वो अपनी आवाज बुलंद कर देता है, वो जोर से बोलना शुरू करता है ताकि आवाज की बुलंदी से वो अपने मौकिफ की कमजोरी जो है उसे कंपनसेट करे, उसकी तलाफी करे। ये है वो शय के जिससे यहां रोका गया है, वरना बसा औकात बुलंद आवाजी की जरूरत होती है। जंग के मौके पर कमांडर्स जब हुक्म देते हैं तो बुलंद आवाज के साथ देते हैं, इसकी अपनी जगह जरूरत है। लेकिन यहां यह है कि आमतौर पर इंसान जो है वो अपनी बात बयान करे, दलील के साथ बयान करे, लेकिन बड़ी शाइस्तगी से बयान करे, खामखा आवाज को बुलंद करने की जरूरत नहीं।